नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नेविगट इंजेक्शन का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो नेविगट इंजेक्शन मार्केट में आता है, ये बायोनोवा कंपनी का आता है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। ये 2 ml के एम्पूल में मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 95 rupees यानी 95 rupees। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे, कैसे पैक में आता है। ऐसा एम्पूल पैक आता है दोस्तों, ये नेविगट इंजेक्शन 2 ml का ये एम्पूल का पैक आता है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर लिहोसल्फ्राइड 12.5 mg ईच ml कंटेंट, यानी ईच ml में लिहोसल्फ्राइड 12.5 mg है। ये 2 ml का इंजेक्शन होने के कारण इसके अंदर 12.5 + 20.5 = 25 mg का ये पूरा एम्पूल का पैक रहता है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलता है। तो जो नेविगट इंजेक्शन मार्केट में आता है, मेनली बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ये मेनली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इसको बोला जाता है। ये आपको कुछ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज की शिकायत है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। आपको कुछ इरिटेबल बोल सिंड्रोम की शिकायत है तो उसके लिए भी ये चलती है। यानी दिस मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट द इरिटेबल बोल सिंड्रोम मार्क बाय स्टमच पेन, फ्लैटुलेंस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये जो आपको शिकायत है तो उससे छुटकारा पाने के लिए मेनली ये दवा दी जाती है। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल आती है मार्केट में। इसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दिया जाता है। ये डॉक्टर के निगरानी में लेनी चाहिए, डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, इसके डोज जो रहते हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार, आपके बॉडी के वेट, आपका एज, उसके हिसाब से इसका डोज मेंटेन किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको ड्राउजीनेस की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको स्लीपीनेस की शिकायत हो सकती है। आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस की शिकायत हो सकती है। आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड की शिकायत हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। आपको एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको वेट गेन जैसी भी शिकायत हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।